नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। देखिए, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हौसला बुलंद रखना होगा मेरे दोस्तों। ये हौसला ही है जो हमेशा आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। तो हौसला बनाकर रखें। जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं तो आपको अपनी हौसला और बुलंद होनी चाहिए ताकि आप उससे पार पा सकें। तो आज देखिए, हम क्लास टेंथ के बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस उठाए मैथ के, कुछ है मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इसमें। और अगर ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए नहीं है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, क्वेश्चंस भले चेंज हो सकते हैं पर उसकी जो कंसेप्ट है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा सेम होता है। जिस तरीके के अगर आप बोतल बदलते हो, सिर्फ पानी तो वही होता है जो हम पानी पीते हैं, जो आप पानी पीते हो, जो हम हवा सांस लेते हैं, आप सांस ले रहे हो, सब वही ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, जगह बदल गई, बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन सेम है, जगह बदल जाती है। तो ये मत सोचना है कि बिहार बोर्ड का है, ये सीबीएसई बोर्ड का है, ये राजस्थान बोर्ड का है, ये यूपी बोर्ड का है, कर्नाटका बोर्ड का है, बंगाल बोर्ड का है। नहीं, ऑक्सीजन तो सेम है ना, जगह बदल जाती है सिर्फ। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। हाँ, क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है तो वो आप एक बार अपना देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्चुअली जो ये 2023 का जो पेपर हुआ था, है ना, ये उसी का डिस्कशन है। और नो डाउट कि सेम तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे और आते ही रहते हैं सेम टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, चलिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा और इंग्लिश में भी जो भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का नंबरिंग है, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। यह पहले मैं सीबीएसई का जो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया था, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर इज 42 है और 4.2 है, लेट मी चेक, दिस इज 42 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक सर्कल है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसका डायमीटर आपको दिया था, है ना। तो डायमीटर जो गिवन था हम लोगों को, वो गिवन था 42 सेंटीमीटर। बताओ सब लोगों को याद आ रहे फॉर्मूला सर्कल का, एरिया का, है ना। देखिए डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 times ऑफ रेडियस होता है ना, ये आपका अगर सेंटर हो गया, इधर भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया, तो ये आपका किसका वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, 2r का। तो r का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 21। बताओ भाई एरिया क्या होता है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब कितना, 22/7। आर का मतलब कितना है मेरे दोस्त, 21 × 21। बताना दोस्तों, जब भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना फटाक से, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं जा रहा। ये हो गया 22 × 61 = 63, है ना। देखो तुमको और गुना सिखाते हैं थोड़ा, इसको तुम चाहो ना तो सीधा 11 × 2 लिख लो, 2 इसको दे दो, 3 × 6 हो गया, 6 × 12। अब 11 से गुना करना काफी आसान होता है मालूम है ना। देखो 6 × 6 लिख लो, दोनों को जोड़ दो, 6 + 2 कितना 8, दोनों को जोड़ दो, 1 × 2 कितना हो गया 3 और 1 × 1 को, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल है क्या, अरे बोलो, कुछ मुश्किल नहीं है सर, आप तो बस पढ़ाते जा, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। कुछ डाउट अगर होता है किसी को भी, मुझे तो लगता है कुछ होगा डाउट, फिर भी अगर आ जाता है तो आप कमेंट लिख देना। The ratio of the two radii of the circle 4:3। बताओ भाई, बताओ भाई, ये आ गया, ये अब देखना दिन बाकी था हमको, 4:3 था। दो सर्कल का जो रेडियस का रेशियो दिया है बेटा, 4:3 दे रखा है ना। मान लो एक बड़ा सर्कल मान लो, एक छोटा सर्कल मान लो, ठीक है। तो
क्या पूछा था कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अरे भैया अगर मान लो इसका क्षेत्रफल मैं A1 बोल देता हूँ, इसका क्षेत्रफल को मैं A2 बोल देता हूँ, तो दोनों का अनुपात का मतलब रेशियो, इंग्लिश में बोल देता हूँ तो रेशियो। बहुत लोग इंग्लिश से डरते हैं, कई हिंदी वाले सब, ये क्या अगर इंग्लिश कुछ है थोड़े, अगर तुम उससे देख लो ना कुछ भी नहीं इंग्लिश, अगर तुमको सब आता है इंग्लिश तो बस बेटा रेशियो में बहुत अंग्रेज में जाते हैं लोग, कुछ नहीं इंग्लिश इजी है। तो रेशियो देखो हमको क्या निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू क्या हो गया बेटा पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई स्वाहा, यहाँ पे हो गया R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। अब बोलो भाई, बोलो बोलो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, बताइए जी R1 अपॉन R2 कितना है सर, 4/3 होल स्क्वायर। आप बोलिए जिसको चर्चा को 16 3 3 9 लिख दें, हाँ सर लिखो ना सर, यही तो उत्तर हो गया भाई, यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आप देख रहे हैं कैसे फटाफट बन रहा है क्वेश्चन, है ना। चलो तो नेक्स्ट वीक कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया अभी, क्वेश्चन नंबर 2 तक वहां हो गया। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो सकता है बच्चों, है ना, क्योंकि मुझे पास जो क्वेश्चन आया ना कोई अलग अलग तरीके से है। चलो क्वेश्चन दिया था एरिया एंड द पेरिमीटर ऑफ सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अरे भैया भैया मेरो देखो, एक सर्कल है, जितना इसका एरिया है ना उतना ही इसका सर्कमफेरेंस है। ओहो तो गिवन है, अंग्रेज लोग देखो, अंग्रेजियों अंग्रेज वाले को अंग्रेजी बोलते हैं, अरे क्या फंस गया रे ओबामा, गिवन है चढ़ा एरिया ए इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस सी। तो एरिया क्या होता है बेटा, अगर मैं बोल दूं कि सर्कल का रेडियस आर है, कितना है आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, 2πr, बोलो कि नहीं यार, अरे हाँ यार, यस यार। तो पाई से पाई खचाक, एक आर से एक आर खचाक, तो आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2। आर का मतलब रेडियस, याद है कि भूल गया सर, याद है ना, यस सर। डायमीटर कितना 2r, अच्छा 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ए आ गया उत्तर, ठीक है कि नहीं। अरे बोलते रहना तुम सो जाएंगे, फिर तुम पढ़ते रहना, तो बताते रहो भाई मुझे भूख लगी है लेकिन मैं खाना खाने नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तुझे भी नहीं खाने दूंगा, मैं खाना खाने जाऊंगा तुम भी भाग जाओगे, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा बेटा, जान ले तुम, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ठीक है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं सोच के आया हूँ, नहीं खाना है न खाने देना है, तुम सब बहुत खा खा के मोटा गया सब, आज मजा कर रहा, पापा मम्मी को मत दिखा देना, बोलेंगे कि देखो ना मेरा बेटा को मोटा बोलता है, मार खिलवाएगा तुम, जो पढ़ाता हूँ सब बंद करवा देगा, नहीं आपका बेटा दुबला पतला, ठीक है। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का, आगे क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है ए बी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ओ ए बी विद वर्टिसेस, ठीक है भैया देखिए एक ट्रायंगल के बारे में काम आ गई, एक ट्रायंगल है अपने पास जिसका एरिया हम लोगों को निकालना है ना, ओ ए बी नाम दिया इसका, तो जो ट्रायंगल है ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी है, देखिए जरा फंस रहे हैं भाई लोग, ट्रायंगल ओ ए बी है, कहाँ गया रे ओ ए बी, रुको लगता है देखो बोर्ड फंसना शुरू हो गया बेटा, आजा भाई क्वेश्चन करवा दे, तुम ही तो हो दोस्त, ट्रायंगल ओ ए बी, चलो ट्रायंगल बनाते हैं एक मैं पहले, तो चलो जी ये हो गया जी ओ, देखो जी फिर फंस गया जी भैया, ऐसे मत कर, बहुत सारे दोस्तों की दुआ रही तुझे, तो एक हो गया 0,0, एक हो रहा है ए ओ, तो इसको तो मैं डायग्राम से बनाता हूँ, इसका तो डायरेक्ट ए भी आ जाएगा, बट फिर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका थोड़ा सा
हमसे झगड़ा हो चुका है, चिढ़ गए हैं, हमारे बोर्ड फंस रहे हैं, पर कोई बात नहीं, दो तो लिखाता है फिर फंस जाता है। देखो फिर से वही बात हो गई, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता तो रात नहीं होती। क्या हो रहा है रे दोस्तों, इधर तो पता चलेगा। ओ एन बी ठीक है, ओ दिया था 0.0, 0 बन गया हीरो। ये हो गया ए, ये है 1.0, ये है बी, क्या है 0.b, एरिया क्या होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हाफ इंटू ए भी आ जाएगा। ठीक है देखो, बोर्ड हमको करने रहा मदद, तो मुझे बंद रोकना पड़ेगा।